दोस्तों, बर्मन ट्रैवल डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। गया से बोध गया आने के थोड़ा पहले में ये जगह है। ये 100 फीट का यहाँ बुद्ध है और शाम का समय है और चैंटिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी टूरिस्ट आए हुए, जब बोध गया आएगा यहाँ भी आ सकते हैं। गया से जब बोध गया जाएंगे तो ये मंदिर रास्ते में पड़ेगा। सुबह शाम आते समय इसे दर्शन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा शाम को लग रहा है। आप जब गया घूमने आए, बोध गया में ठहरिए। अगर टूरिस्ट के हिसाब से आ रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, गया में रुक के बोध गया घूमने आते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट और एक उसके हैसियत से आपको बोध गया में ही रुकना चाहिए। और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। वो बोधि वृक्ष, वो बोधि मंदिर यहीं पर है और पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर अगल बगल मंदिर हैं। और गया बहुत से रेलवे और बसों द्वारा जुड़ा हुआ, यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। गया जरूर आइएगा और बोध गया में ही रुकिएगा, देखिए। और ये शाम का माहौल है कि रुके बगैर इसका माहौल का आप आनंद नहीं ले सकते। इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिव बोधि मंदिर को ही कवर करूंगा और इसके बाद के वीडियो में अदर जो बोध के घूमने के स्थान है और गया के बचे हुए स्थान है उसको कवर करूंगा। तो बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। पहले रात में घूम रहे हैं, मंदिर को दिखा रहे हैं और दिन में पूरा गाइड के साथ घूमेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ऐसा दिख रहा है यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ का जो माहौल है, पूरी अंतरात्मा को छू देता है। ये वही बोधि वृक्ष है। चौथा बोधि वृक्ष है, एक्चुअली गाइड पूरा बताएंगे बाद में। बोधगया में कहीं भी रहिए, शाम को यहाँ जरूर आके परम आनंद का उपभोग जरूर कीजिएगा। Woo!
ये बोधि महाबोधि मंदिर के बाहर का फोटोग्राफ। बर्मन ट्रेवल डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। बोध गया में महाबोधि जो मंदिर है, जहाँ बुद्ध वर्मा भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस मंदिर के सामने में हूँ। ये महाबोधि जो मंदिर है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और यहाँ जो माहौल है बहुत ही अच्छा है। चूंकि ये एक प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है, इसको अच्छी तरह से जानने के लिए एक लोकल गाइड का हेल्प लेना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लोकल गाइड को हायर किया है, और वही आपको बात के बाद डिटेल्स में बताएंगे। तो अभी उनसे मिलते हैं, चलिए। सबसे पहले तो बोधगया की धरती पर स्वागत है आपका मेरे तरफ से, मैं अजीत कुमार सर। ये बड़ा वाला जो मंदिर देख रहे हैं ना आप, ये मंदिर का पूरा नाम महाबोधि महाविहार रखी गई है। तो महा मीन्स ग्रेट, महान होते हैं, बोधि मीन्स नॉलेज, ज्ञान होते हैं। और विहार है दस्तुप्स, क्योंकि 3rd century BC में अशोक जी के काल में मंदिर और मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थी, विहार बनाए जाते थे। और विहार उस प्लेस को कहा जाता था जहाँ में लोग रहकर ध्यान करते थे, उसे विहार बोली जाती थी। तो ध्यान करते थे और बौद्ध धर्म के बारे में जानते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, जी। उसी को विहार कही जाती थी सर। तो विहार है दस सर। ये मंदिर जो देख रहे हैं ना सर, ये 2300 साल पुरानी है, 2300 years old। टोटल इसकी ऊंचाई है, हाइट है 180 feet सर, 180 feet। सबसे ऊपर जो टॉप में देख रहे हैं लुकिंग दिस टॉप, वो 289 kg की सॉलिड गोल्ड लगी हुई है, 289 kg का शुद्ध सोने का बना हुआ है वो, जिसे आज से 9 साल पहले थाईलैंड के राजा थे भूमिपॉल, उन्होंने उसे दान में दिया था 12 नवंबर 2013 को। इस मंदिर को सर दो राजाओं ने मिलकर बनाए थे। एक तो इनके नीचे का जो 30 feet का बेस था, उसे आज से 2300 साल पहले मगध के एक राजा थे चक्रवर्ती अशोक, उनके द्वारा बनाई गई थी। तो उन्होंने इसे मेडिटेशन करने के उद्देश्य से बनाए थे, ध्यान करने के लिए, क्योंकि हीन यान में लोग ध्यान करते थे और महायान में मूर्तियों की पूजा करते थे। तो उन्होंने इसे 30 feet का एक चौखंडी स्तूप बनाया था ध्यान करने के उद्देश्य से। और इसके अपर का जो 150 feet है, वो मेड बाई समुद्र गुप्ता इन 4th century AD। इसके ऊपर का जो 150 feet है, उनके 700 साल बाद समुद्र गुप्त जी के द्वारा निर्माण कराई गई थी, गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा। 1205 ईस्वी में 1205 AD में मुगल के एक शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद दीन बख्तियार सिद्दी, जिन्होंने पहले नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी। उसके बाद यहाँ आकर इसे ऊपर से 25 feet नीचे डाउन में देखेंगे तो नई कंस्ट्रक्शन है, वहाँ से डिस्ट्रॉयड करके पूरे भाग को मिट्टी से कवर कर दिए। 600 साल तक ये पूरी जमीन के अंदर मिट्टी से दबी रही। फिर 1876 में यहाँ पे जनरल लॉर्ड कैनिंगम आए, जेंडर कैनिंगम, जो ब्रिटिश के गवर्नर भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने इस जगह को एक्सिबिटेड करवा के निकलवाए सर, खुदाई करके निकलवाए। खुदाई के दौरान थोड़ा इधर आ जाएंगे सर, सॉरी, भगवान बुद्ध का प्रसाद जा रहा है, खीर जा रहा है, जो कि देखना बहुत शुभ मानते हैं इसे। खुदाई के दौरान सर
ये टेम्पल हाफ किलोमीटर के एरिया में है। पूरे एरिया से ऐसे 485 स्तूपा पाए गए जिसे विशेष स्तूपा कहते हैं, मनोकामना स्तूप। पहले के लोग जो भी अपनी कुछ मनोकामनाएं लेकर आते थे ना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी तो अपने नाम से कैसे स्तूपा बना दिया करते थे। इसमें एक रैलिक स्तूप भी होती थी, रैलिक स्तूप उसे कहा जाता था। इसमें बौद्धिस्ट लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनके हेयर टीथ नायल वगैरह रखकर स्तूपा बना दिए जाते थे जिसे रैलिक स्तूप कहते हैं, जो नालंदा बर्मा श्रीलंका साथी इन सब जगहों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑल टुगेदर जितने भी हैं वो 485 विशेष स्तूपा के रूप में बनाए गए हैं, लेकिन अभी इनकी कार्यकाल समाप्त हो। ये शांति बिल है, बर्मा के राजा ने डोनेट किए हैं, इसमें बर्मीज और बंगाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका साउंड जो है ये मेटल से बनी हुई है, इसका साउंड जो है ओम शब्द के उच्चारण करती है, ओम एकदम ओम। लोग जी ने इसे इस मार्ग को याद करने के लिए बनवाए थे। इस रास्ते से जो गए थे वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, और जब वापस की ओर लौट रहे थे तो वो गौतम बुद्ध, 300 साल पुरानी है। ये पार्ट मिसिंग थे जिसे 1880 में जैना लॉर्ड कैनिंगम ने पूरा किया। ये दोनों मां सुजाता हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे निरंजना नदी के किनारे पर इन्होंने ही भगवान बुद्ध को खीर खिलाए थे और मध्यम मार्ग का रास्ता बताए थे कि शरीर को इतना भी कष्ट मत दो कि ढीला लचीला पड़ जाए या इतना भी टाइट। पेड़ भी बदल गया है जी, दिस इज द फोर्थ जनरेशन थी, ये चौथी वंशज का चौथा पेड़ है। जो पहला पेड़ था ना सर, उस पेड़ को राजा अशोक की एक पत्नी त्रिशता हुआ करती थी, उन्होंने कटवा दी। उस पेड़ को बंगाल के एक राजा हुआ करते थे शशांक, उन्होंने कटवा दिए, वो भी बौद्ध धर्म के खिलाफ थे, वो सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानते थे। तीसरी पेड़ आप प्लांटेड किया है लेकिन रूट ओरिजिनल है, क्योंकि राजकुमार थे लुम्बिनी नेपाल में इनकी जन्म हुई थी। माता जी का नाम महामाया देवी, पिताजी का नाम सुद्धोधन, पुत्र राहुल, पत्नी यशोद्रा, लेकिन उन्होंने सबको त्याग कर तो दिस इज 142 इयर्स ओल्ड सर, ये वाला इधर में देखिए सर, उनका ओरिजिनल जो प्लेस है उसमें ऊपर में सोने के मंडप है जो श्रीलंका प्रेसिडेंट प्रेमदासा ने डोनेट किया है उसे, और इसी के नीचे जो आसन है वहीं उनका बैठने का स्थान था। बोलिएगा हम भी बैठ जाएंगे खाओगे वाले को। जब भगवान बुद्ध यहाँ पर तीसरा सप्ताह चलते हुए ध्यान कर रहे थे तो 11 स्टेप अप होते थे, 11 स्टेप डाउन होते थे। उस दौरान उनका जहाँ जहाँ धरती पे पांव पड़ते थे वहाँ वहाँ धरती के नीचे से मिट्टी हटने लगती थी और लोटे चीन बनने लगते थे, कमल का चीन। वो वाले कमल का चीन तो नहीं रह पाए लेकिन उसे याद करने के लिए राजा अशोक ने 300 साल बाद
पत्थर पे कमल का चिन्ह बनवा दिए, जो कि यह पत्थर 2300 साल पुरानी है। बीच में इसे डिस्ट्रॉयड कर दिए 1250 AD में खिलजी ने, तो इसकी कॉपी किया 1880 में जनरल लॉर्ड कैनिंगम ब्रिटिश ने 19 स्टेट में चल। तो इसलिए कमल चक्र का नाम है सर चिलिंद सरोवर, लेकिन ये ओरिजिनल प्लेस भगवान बुद्ध का नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये घटना जो भगवान बुद्ध के साथ घटी थी वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मोचारिंग गांव के पास एक घटना घटी थी, लेकिन नज़दीक होने के कारण चूँकि सारे प्लेस जो इनका था यहाँ पर थे, तो ब्रिटिश ने इस प्लेस को भी यहीं शिफ्ट कर दिया। तो इसका नाम दिया गया है मुचलिंद सरोवर। जिस समय भगवान बुद्ध छठे सप्ताह ध्यान कर रहे थे, तो जोरों से आंधी तूफान और वर्षा आ गई थी, तो वर्षा से नाक बंद। जैसा आपने देखा, ये एक अद्भुत मंदिर है, और जो आपकी भावना को पूरा बदल देता है। तो फर्स्ट पार्ट में यहीं स्टॉप करूंगा, और इसके बाद के पार्ट में बोधगया के और जो मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, उन्हें नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। धन्यवाद।